इन दिस लेसन वी विल लर्न ईमेल ऑटोमेशन। इस लेसन लेसन में हम लोग पढ़ेंगे ईमेल ऑटोमेशन कैसे करते हैं, ईमेल ऑटोमेशन का क्या फ़ायदा होगा। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ एक्चुअली ऑटोमेशन होता क्या है। ऑटोमेशन एक टेक्निक है जिससे आप बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली करवा सकते हैं या कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए, अगर आपके पास अगर 4 से 5 हज़ार अगर ईमेल एड्रेस है, आप उस ईमेल आईडी को आपको मेल भेजना है, और मेल भेजना है इस तरीके से। आज अगर सपोज करते हैं डे वन है, डे वन को 1 हज़ार ईमेल आईडी आया, आपने डे वन को क्या किया, आपने उस 1 हज़ार पर्टिकुलर ईमेल आईडी को आपने वेलकम मेल भेजना है। फिर कल डे टू में फिर दोबारा आपके पास कुछ मेल आईडी आ गए, 200 300 नंबर दोबारा आ गया, आप दोबारा कल उनको वेलकम मेल भेजेंगे। तो इस तरीके से आपको हर दिन जितने भी ईमेल आईडी आपको मिलेंगे, जितने भी आपको ईमेल एड्रेस आपको कलेक्शन आप करेंगे अपने मार्केटिंग के थ्रू, तो हर दिन आपको एक वेलकम मेल भेजना। अगर हम एज्यूम करते हैं, ऐसा अगर हम सोचते हैं कि जो हमारे पास डे वन में जो मेल आईडी हमारे पास इकट्ठा हुआ था 1 हज़ार, उसको डे फोर में उसको सेकंड मेल भेजना है जिसको फॉलो अप मेल कहते हैं, फिर डे फोर के बाद डे सेवन में उसको थर्ड फॉलो अप भेजना है। तो इस तरीके से हम अगर ये लगा लें कि डे वन पे अगर हमारे पास एक मेल है, डे फोर पे दोबारा मेल भेजना है, डे सेवन पे तीसरा मेल भेजना है, तो ये जब सीक्वेंस जब बढ़ता जाएगा, अगर एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी को आपको 4 से 5 बार मेल भेजना है फॉलो अप के लिए, तो आपकी जो टीम है, जो मैन पावर है, दे विल बी कन्फ्यूज, उनको कन्फ्यूज़न हो जाएगा और वो समझ नहीं पाएंगे कैसे इसके अंदर हम लोग कैसे कर सकते हैं इतना ज़्यादा शार्प मेमोरी, इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको इस डेटा पे मेल भेजना है, क्योंकि हर दिन आपके पास डेटा अलग अलग आएगा। डे वन वाला डेटा जब डे फोर पर हम जाएंगे तो डे फोर पर उसको वेलकम मेल नहीं भेजना, उसको भेजना है फॉलोअप वन का मेल। अब अगर जो डे टू आया, अब उसका 4 दिन बाद कब आएगा, तो वो आएगा 5वें दिन, अगर हम डे जीरो डे वन अगर हम आज मानते हैं तो 5वें दिन आएगा। तो इस तरीके से अगर हम सीक्वेंस को अगर हम लोग इंक्रीज करते चले जाएं, और इस सीक्वेंस को अगर हम इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि जैसे डे वन पे अगर आपके पास 1 हज़ार को भेजना है वेलकम, डे टू को दोबारा भेजना है वेलकम, डे थ्री को दोबारा तीसरी बार भेजना है वेलकम नए नए डेटा पे, तो हर डेटा को फॉलोअप भी भेजना है, फिर फॉलोअप टू भी भेजना है, फॉलोअप थ्री भी भेजना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हॉचपच हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये ह्यूमन बींग सिंगल ह्यूमन बींग इसको नहीं कर पाएगा, और मैनुअली करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हम लोग इसके लिए ऑटोमेशन करते हैं ताकि ऑटोमेशन से हमारा काम ईजी हो जाए। हमने एक बार ऑटोमेशन सेट कर दिया, नाउ द वर्क इज़ फॉर द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर हैज़ टू डू ऑल द वर्क। ऑटोमेशन में आपने बस क्या करना है, जो भी डेटा आपको जो भी काम करना है, पहले आपको वर्क फ्लो बनाना पड़ेगा। वर्क फ्लो का मतलब होता है कि आपको सिस्टम सिक्वेंसिंग उसको असाइन करनी पड़ेगी, डे वन डे टू डे थ्री डे फोर डे फाइव पे ये मेल भेजो। जब आपने सिक्वेंसिंग उसको डिफाइन कर दिया तो इजी हो जाएगा फिर ऑटोमेशन के लिए। आपने बस वहाँ पर डेटा अपलोड करना है, डेटा अपलोड करना बहुत इजी है। एक सिंगल पर्सन आपका जो भी आपके ऑफिस में काम करता है, आपकी कंपनी में कोई भी एक इंसान काम करता है, वो उस पर सिंपल जाके वहाँ पर पब्लिश करेगा, डेटा को अपलोड कर देगा और आपका ईमेल ऑटोमेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको और दिखाता हूँ आपको ग्राफ के थ्रू कैसे काम करना, बाद में दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे करते हैं इसके अंदर। मैं आपको यहाँ पे अब दिखाऊंगा कैसे करेंगे इसको प्रैक्टिकली और ग्राफिकल वे में कैसे कैसे करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा ईमेल ऑटोमेशन का। जैसे मैं आपको यहाँ पर अब दिखा रहा हूँ कैसे क्या करता है ईमेल ऑटोमेशन कैसे होगा। अगर नॉर्मली अगर हम लोग बात करें डे वन, तो डे वन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, डे वन पे क्या होगा, यू गॉट सम ईमेल आईडी, तो ये डे वन है, डे वन में आपके पास 1 हज़ार ईमेल आईडी आ गया। अब हमने डे वन पे हमारे पास 1000 ईमेल एड्रेस हमारे पास यहाँ पर आ गया है, अब हमें इसको मार्केटिंग करनी है या फिर हमें इसको इनको वेलकम मेल भेजना है, तो डे वन वाले को हम लोग इसको वेलकम मेल भेज देंगे। यहाँ पर डे वन में 1000 आईडी को वेलकम मेल भेजने वाले हैं। अब सपोज करते हैं डे टू में आपके पास दोबारा यहाँ पर 300 आईडी आ गया, ये डे टू है, सेकेंड डे आपने मार्केटिंग करी, आपके पास यहाँ पर 500 ईमेल आईडी आपके पास आ गया, ठीक है। वैसे ही अब हम बात करते हैं डे थ्री की बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास दोबारा 750 ईमेल एड्रेस आपके पास दोबारा आ गए, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपने कलेक्शन कर लिया। डे फोर की बात करते हैं, डे फोर पे भी आपके पास डेटा आएगा, कंफर्म डेटा आएगा अगर आप ईमेल मार्केटिंग या कुछ भी मार्केटिंग करते हैं तो। डे फोर में बात करते हैं, डे फोर में आपके पास मान लीजिए 689 डेटा आपके पास आ गया, ईमेल आईडी आपके पास आ गया। तो आपका जो पहला वर्क आपका क्या है कि आपको यहाँ पर सबको एक वेलकम मेल भेजनी है, ये पहला हमारा स्टेप है, पहला हमारा प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, जैसे डे वन पे आपको सबसे पहले इसको डे वन पे आप इसको वेलकम मेल भेजेंगे, राइट। तो यहाँ पर सेंड वेलकम मेल ऑन डे वन, ये हमारा सीक्वेंस रेडी हो गया। अब डे वन के बाद वेलकम मेल जाएगा, अब इसके बाद आपने क्या किया,
सेंड फॉलो अप मेल ऑन डे फोर। अब जो डेटा आपके पास डे वन पर आया, इस डेटा को आपको डे वन पे तो वेलकम मेल भेजना, बहुत अच्छी बात है, हमें समझ में आ गया। डे फोर पे उसको भेजना है फॉलो अप का मेल भेजना है। तो अगर आपके पास डे टू, डे थ्री और डे फोर का डेटा अगर नहीं आ रहा और सिर्फ सिंगल यही आ रहा है, एक ही बार डेटा आपके पास आ गया, सिंगल ही कलेक्शन आपने करी, जितना भी डेटा आपने सिंगल कलेक्शन करके आपने एक बार ही प्रोसेस करना है, तो आपको ऑटोमेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसको कर सकते हैं। बट अगर आपके पास डेली नया नया क्लाइंट आ रहा है, डेली नया नया डेटाबेस आपके पास, डेली न्यू सब्सक्राइबर अगर आपके पास आ रहे हैं, तो हर दिन आ रहे हैं, तो हर दिन सबको आपको वेलकम मेल भेजना पड़ेगा, राइट। हर दिन आप वेलकम मेल भेजेंगे तो डे वन पे वेलकम मेल जाएगा, फिर डे फोर पे फॉलो अप जाएगा। सेम यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, डे वन पे जाएगा वेलकम मेल जाएगा यहाँ भी। इसका जो डे फोर होगा, इसके डे फोर में जाएगा आपका ठीक है। अब इसका भी डे फोर पे इसका भी जाएगा सीक्वेंस जाएगा, इसका भी डे फोर पे जाएगा ये वाली मेल। तो इस तरीके से सबका दोनों, तो डेट थ्री का भी जाएगा, डे फोर का भी जाएगा, सबका सेम सीक्वेंस होगा। बट यहाँ पे अगर हम डे वन मान लें, डे वन को हम लोग मान लेते हैं कि डे वन के अंदर अगर हम ये मान लें कि अगर आज सपोज कीजिए आज 14th September है, तो 14th September की बात करते हैं, 2020 की बात करते हैं। तो 14th September 2020 को आपके पास डेटाबेस आया 1000, अब ये यहाँ पर वेलकम मेल चला जाएगा सेम डे। डे फोर, तो 14 सितंबर के बाद अगर डे फोर की बात करें तो 18 सितंबर को जाएगा ये दूसरा मेल। अब अगर बात करते हैं डे टू, डे टू का मतलब हो गया डे वन तुम्हारा 14 सितंबर हो गया, डे टू क्या हो जाएगा 15 सितंबर हो जाएगा फिर। अब डे टू के अकॉर्डिंग फोर्थ डे कौन सा होगा, ये होगा 19 सितंबर होगा। तो अब आपको पता लग रहा हो थोड़ा सा और यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको और क्लियर हो गया होगा। डे वन का मतलब हमने मान लिया 14 सितंबर 2020 मान लिया, आपने एक वेलकम मेल भेज दिया, उसके 4 दिन बाद आपको फॉलो अप मेल भेजना है। अगर आपने सिर्फ 14 तारीख का डेटाबेस अगर आपको कलेक्ट किया है, सिर्फ इसी को अगर आपको मैनेज करना है तो ईजी है। बट आपके पास अगर डेली डेटाबेस अगर आपके पास आ रहा है, डेली आपके पास सब्सक्राइबर अगर आपके पास आ रहे हैं, तो डेली सब्सक्राइबर आने के बाद आपके पास डेटाबेस यूज होगा, मल्टीप्लाई होगा, डे बाई डे आपका इंक्रीज करेगा, और हर डेटाबेस का हम सिक्वेंसली इसको यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो डे वन वाले को दोबारा वेलकम मिल जाएगा 15 तारीख को, 19 तारीख को दोबारा जाएगा वेलकम फॉलो अप मेल टू 4 दिन बाद। अब डे थ्री आएगा, डे थ्री का मतलब होगा 16 सितंबर हो गया, इसका 4 दिन बाद होगा 20 सितंबर, फिर यहाँ पे हो गया 17 सितंबर डे फोर के अंदर, अब यहाँ पे होगा ये वाला। तो इस तरीके से आपका ये सिक्वेंस बढ़ता चला जाएगा, जैसे आपका 10 डेज हो जाएगा, 10 दिन बाद आपके पास इतनी सारी मेल हो जाएंगी कि आप इसको मैन्युअली भेज ही नहीं पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसी को हम लोग ईजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेशन यूज़ करते हैं, ईमेल ऑटोमेशन। तो बहुत सारी कंपनी हैं ईमेल ऑटोमेशन करती हैं, आपने बहुत सारी ऐड देखी होगी फेसबुक के ऊपर, या बहुत सारे आपने देखा होगा, वो लोग बार बार आपको मेल भेजते रहते हैं, फॉलो अप मेल भेजते हैं, फॉलो अप टू भेजते हैं, फॉलो अप थ्री भेजते हैं, तो वो सारा ईमेल ऑटोमेशन से ही भेजते हैं। और ईमेल ऑटोमेशन से आपका फ़ायदा ये होता है कि आप बार बार क्लाइंट के साथ फॉलो अप कर सकते हैं। जब आप ईमेल ऑटोमेशन करेंगे तो आप हर मेल के अंदर आप अपने फॉलो अप सिस्टम बनाएंगे, फॉलो अप में क्या लिखना है, 1 में 2 में क्या लिखना है, 3 में क्या लिखना है, 4 में क्या लिखना है, इस तरीके से पूरा का पूरा आप ऑटोमेशन का पूरा फनल बना लेंगे यहाँ पे। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ईमेल ऑटोमेशन हम लोग कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, उसका चार्जेस क्या होता है, सारा मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ, इसके बाद बताता हूँ क्या करना है इसके अंदर।